अगर आप भी एक Binance यूजर है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे क्या कि आप रेगुलर बेसिस पर फ्री में कॉइन्स अर्न कर सकते हैं। जब भी Binance के ऊपर कोई नया प्रोजेक्ट आता है उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लॉन्च पूल आता है और उससे आप फ्री में कॉइन्स अर्न कर लेते हो। लिस्टिंग होने से पहले भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप अर्न कर लेते हैं, आपको सीधा स्पॉट वॉलेट में मिल जाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आया न्यूट्रॉन के नाम से जिसकी फार्मिंग चलने वाली है लगभग 20 दिन की। तो 20 दिन फार्मिंग करके आप इसमें बहुत ही आसानी से फ्री में न्यूट्रॉन कॉइन्स अर्न करने वाले हैं Binance के ऊपर। तो यहाँ पे आज के हमारे इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने BUSD को कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि BUSD डीलिस्ट करने जा रहा है Binance। इन्होंने पूरा फैसला कर लिया है कि BUSD को रखना ही नहीं है, BUSD कभी रहेगा ही नहीं ऐसा कॉइन। अब BUSD डीलिस्ट हो रहा है तो उससे पहले पहले आपने कन्वर्ट जरूर करना है ताकि आपका लॉस ना हो। अगर आपके पास कहीं भी BUSD पड़ा है तो उसको जल्द से जल्द कन्वर्ट कर लो। वो मैं आपको तरीका क्या है वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, और न्यूट्रॉन कैसे कमाने हैं Binance से वो मैं आपको बताऊंगा सेम वीडियो में। तो वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो जैसे ही आप Binance खोलेंगे तो Binance के ऊपर आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे कन्वर्ट मिल रहा होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रेड के ऊपर जाते हो तो इसी में आपको स्पॉट फ्यूचर P2P ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, मार्जिन ऑप्शन मिलेगा और कन्वर्ट ऑप्शन भी मिलेगा। तो जैसे ही आपने कन्वर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है कि आप अपनी किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम WazirX यूज़ करते हैं या फिर इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रेड ही करना पड़ता है। तो ट्रेड के बेसिस पर ही वो हमें दूसरा अमाउंट मिलता है स्पॉट वॉलेट में, लेकिन उससे क्या कि फीस लग जाती है और TDS भी लग जाता है। लेकिन आपका यहाँ पे पैसा बचता है अगर आप Binance के ऊपर हैं, यहाँ पे आपकी फीस नहीं लगेगी और गारंटेड प्राइस रहते हैं। कोई भी पेयर हो, एक पेयर से एक कॉइन से दूसरे कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी फीस के। तो डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजी रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने Binance कन्वर्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मार्केट आ गया और यहाँ पे मैंने कॉइन सिलेक्ट करना है। तो अभी वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अभी BUSD कन्वर्ट करना, क्योंकि BUSD को डीलिस्ट कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। तो BUSD आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपने BUSD को किस कॉइन में कन्वर्ट करना है। मैंने वैसे USDT में ही करे हैं जितने भी थे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे सेल ऑफ कर दिए थे BUSD, लेकिन अगर कोई बचा था किसी न किसी कारण, अगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बचा है आपके पास भी, तो उसको USDT में कन्वर्ट कर लो या फिर आप TUSD में कन्वर्ट कर लो। TUSD, FTUSD ऐसे काफ़ी सारे अच्छे स्टेबल कॉइन्स हैं जिनको आप यूज़ करके फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने BUSD को USDT में कन्वर्ट करना है। तो आपने यहाँ पूरा अमाउंट डालना है, यहाँ पे मैक्स का भी ऑप्शन आएगा, मैक्स के ऊपर क्लिक करना और आपका ये अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा बिना किसी फीस के। सबसे अच्छी चीज़ है कि बिना किसी फीस के, हमारी जितनी भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उन सभी के ऊपर कुछ भी कर लो, चाहे एक्सचेंज को हाथ लगा लो तो आपके पैसे कट जाएंगे, लेकिन Binance के ऊपर आप ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हो क्योंकि ऑफ चेन रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि चेन के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इजीली एक कॉइन से दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको जो बताया, शायद आपको लग रहा हो कि मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आज तक हमेशा आप किसी कॉइन को दूसरे कॉइन में लेने के लिए ट्रेड करते होंगे, तो यहाँ पे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कन्वर्ट यूज़ करो। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लॉन्च पूल। तो जनरली जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो लॉन्च पैड के ऊपर आता है या फिर लॉन्च पूल के ऊपर आता है। तो वैसे अगर आप लॉन्च पैड के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने लॉन्च पैड के ऊपर क्लिक किया, यही सेम आपको मोबाइल के ऊपर मिलने वाला है। तो जो एक्टिव प्रोजेक्ट होगा या अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट होने वाला है वही सबसे ऊपर आपको दिखेगा, पुराने प्रोजेक्ट्स भी नीचे दिखेंगे, जैसे कि अर्कम है, ये वाला ARKM था। तो ये वाले प्रोजेक्ट से मुझे पिछली बार भी इससे भी कॉइन मिले थे, ओपन कैंपस से भी मैंने अर्न किया था, तब मुझे EDU एजू कॉइन मिले थे, स्पेस ID भी मैंने किया था, हुक्ड प्रोटोकॉल भी किया था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी नया प्रोजेक्ट आता है तो मैं हमेशा उसका वीडियो बनाता हूँ। तो सिमिलरली अभी जो लॉन्च पूल के ऊपर प्रोजेक्ट आया है वो न्यूट्रॉन के नाम से आया है, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था, NTRN के नाम से इनका कॉइन है। तो यहाँ पे 3 पूल्स है, FDUSD, TUSD पूल और BNB पूल। तो यहाँ पे 10%, 10% और 80% एलोकेटेड रिवॉर्ड्स रखे गए हैं। तो ये 20 दिन तक फार्मिंग चलने वाली है, टोटल रिवॉर्ड्स 20 मिलियन के आसपास रखे हैं इन्होंने। तो 20 दिन आप इसमें अपना पैसा लगा के रखो, जितने भी कॉइन बनते हैं, चाहे एक कॉइन बनता है, 10 कॉइन बनते हैं, 50 कॉइन बनते हैं, उतने कॉइन्स बनाओ, क्योंकि उसके बाद जब ये पूल एंड होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू नीचे जानी है, कई बार वैल्यू इसकी लेटर ऑन भी बहुत अच्छी चली जाती है, और वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस तरह का है। तो मैंने यहाँ पे इसको पूरा प्रोजेक्ट खोला, जब NTRN का व्यू मोर के ऊपर क्लिक किया तो हर एक डिटेल यहाँ पे आ गई। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने TUSD पूल के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि मेरे पास TUSD पड़े हैं तो मैंने TUSD यहाँ पे लगा देने जितने भी पड़े हैं।
तो न्यूट्रॉन की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि न्यूट्रॉन अलाउज डेवलपर टू इजिली बिल्ड क्रॉस चेन एप्लीकेशंस ओवर इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल IBC एंड प्रोवाइड्स डिफाई डैप्स विद फुल इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यानी कि इंटर ब्लॉकचेन या फिर क्रॉस चेन्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी डैप्स बनाना चाहते हैं, डिफाई ऐप्स बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर वो क्रॉस चेन यूज़ करना चाहते हैं, तो वो न्यूट्रॉन के ऊपर कर सकते हैं। तो स्टेक कैसे करना है वो बताने से पहले आपको मैं वेबसाइट के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म सिक्योर्ड बाय कॉस्मोस हब। तो कॉस्मोस वर्ड ना आपको आज के बाद या फिर आने वाले 10, 20, 30 साल तक बहुत ज़्यादा सुनने को मिलने वाला है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी का जो नेक्स्ट लेवल होने वाला है वो कॉस्मोस ही होने वाला है। लेकिन इसका जो मेन चीज़ है वो है इंटरचेन, और ये स्पेशली डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के लिए बनाया गया है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। यही कारण है कि मैं अपने सारे TUSD यहाँ पे स्टेक कर दूंगा। तो स्टेक के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैक्स के ऊपर क्लिक किया, और ये सारे सेम स्टेप्स रहने वाले हैं अगर आप मोबाइल के ऊपर भी करते हो। तो यहाँ पे आपने स्टेक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है बाइनेंस के लॉन्च पूल के ऊपर कि आप कभी भी स्टेक कर सकते हो और कभी भी रिडीम कर सकते हो। अभी जैसे जितना अमाउंट स्टेक है मैं रिडीम के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ मेरी मर्जी है मैं पूरा के पूरा रिडीम कर लूँ, एक सेकंड में सीधा मेरे स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा, वरना यहाँ पे मुझे इससे क्या कि अर्निंग रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने कौन सा किया, TUSD पूल। अब हम BNB पूल के ऊपर जाते हैं। तो BNB पूल के ऊपर सेम आपने स्टेक के ऊपर क्लिक करना है, मैक्स के ऊपर क्लिक कर दो, जितने BNB है सारे के सारे यहाँ पे कमिट कर दो, क्योंकि हमने इस BNB का करना भी क्या है अगर वो स्पॉट वॉलेट में ही पड़े, तो मैक्सिमम आपने कर देने और स्टे कर देने हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी एमरजेंसी पड़ती है तो आप इस सारे के सारे अमाउंट को रिडीम कर लो, चाहे लिमिटेड अमाउंट को रिडीम कर लो। अगर आपको 2-4 BNB चाहिए, बाकी आपने स्टे करके रखना है, तो आप कभी भी रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लो और बाकी का अमाउंट वहीं पे स्टेक रहने दो। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जब भी कोई भी लॉन्च पूल के ऊपर प्रोजेक्ट आता है। लेकिन इस बार क्या है कि BNB TUSD के साथ साथ FD USD पूल भी आया है, तो FD USD में भी आप स्टेकिंग कर सकते हो। हालांकि मेरे पास अभी FD USD नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी बाइनेंस किसी कॉइन को सपोर्ट करता है तो वो लॉन्च पूल में उस कॉइन को यूज़ करवाता है। जैसे कि एक समय था जब पहले BUSD का पूल भी होता था, लेकिन BUSD को ये डीलिस्ट करने जा रहे, तो जिस कारण अभी BSD का पूल नहीं है। और इस वक्त ये TUSD को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि ये एक तरीके से जो जस्टिन सन है उनका ट्रॉन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके स्टेबल कॉइन का सपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अभी ये FD USD पूल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि ये बिल्कुल नया स्टेबल कॉइन है तो इसकी यूजेज को बढ़ाना चाहते हैं, इसमें वॉल्यूम लाना चाहते हैं, क्योंकि जितने लोग FDST को बाय करेंगे, बाय करके यहाँ पे स्टेक करके रखेंगे, तो उतना ज़्यादा अच्छा डाटा होगा, उतना ज़्यादा कॉइन स्ट्रांग होगा। तो हमने यहाँ पे तीनों में हम किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड्स आपको बताई दें, एक में 80% रहेंगे, एक में 10%, दूसरे में भी 10%, और कभी भी आप रिडीम कर सकते हो। तो ये था बिल्कुल ही सिंपल तरीका कैसे आप न्यूट्रॉन अर्न कर सकते हैं। 20 दिन का फार्मिंग पीरियड है, तो मेरे हिसाब से अच्छा इसको मिस नहीं करना चाहिए। एज सून एज पॉसिबल अपना पूरा अमाउंट इसमें लगा दो, क्योंकि ये हमेशा सेफ ही रहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी और कॉइन या प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाइनेंस की किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।